हाय एवरीवन, लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे यूनिक टिप्स, ट्रिक और हैक लेके आई हूँ, जो कि कबाड़ से जुगाड़ है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोगों के पैसे बचेंगे और आप उन पैसों से कुछ और चीज़ खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो टिप्स है, हैक है दोस्तों, वो है नाखूनों को लेके। जब भी हम लोगों के ये नाखून नेल बड़े हो जाते हैं, हम उनको काट देते हैं, और मतलब कि वो लंबे हो जाए नाखून तो हम काट देते हैं उनको, नहीं तो वो मतलब कि या तो खाना खाते समय या कुछ और चीज़ करते समय वो टूट जाते हैं। तो दोस्तों जब भी उनको काटना होता है, कुछ लोगों के नाखून बहुत सख्त होते हैं, तो जब भी आपको नाखून काटना हो तो एक गुनगुना पानी लेना है एक कटोरी में, और उसको अच्छे से हाथों को उस पर डुबो के उसके बाद 5-7 मिनट के बाद निकाल के और अच्छे से तौलिया से या किसी और चीज़ से पोंछ देना है। उसके बाद आप अपने नाखून काटेंगे तो वो आराम से कट जाते हैं और ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया है और मैं दिखा रही हूँ कि कभी भी हो पेपर में ही अपना नाखून काटना चाहिए और ऐसे इधर उधर नहीं काटना चाहिए। मतलब कि पेपर में यदि हम काटेंगे तो आराम से हमको डस्टबिन में डालने के लिए हो जाएगा और हमारे नाखून इधर उधर भी नहीं गिरेंगे। नाखून इधर उधर गिरे हुए अच्छे भी नहीं लगते हैं और कभी किसी के खाने में या किसी के पैरों के नीचे आ जाएं तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह यहाँ पे नाखून आराम से कट जाते हैं, मुलायम मुलायम हो जाते हैं। तो इस तरह मेरे नाखून तो कट गए हैं। तो आपको कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरी कोई भी टिप्स ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलो चलते हैं आगे, मेरी एक टिप्स और है। ये है आटा होता है हमारा, आटे के ऊपर जो हम चाय बनाते हैं ना, जो चाय पत्ती बच जाती है वो चाय पत्ती है ये। तो इस चाय पत्ती को इस आटे के ऊपर मैंने डाल दिया है और मैं क्या करने वाली हूँ, इसका बहुत ही अच्छा एक उपाय है मेरे पास। और ये जो चाय पत्ती है ये वेस्ट मटेरियल है और इससे मेरा एक बहुत ही अच्छा काम बन जाएगा। तो वैसे तो दोस्तों ये चाय पत्ती पौधों में भी डालने के काम आती है, लेकिन अभी मैं ये अपने घर में इसको यूज करती हूँ। तो क्या होता है, जब भी हम अपने सिंक में बर्तन धोते हैं उसके बाद हम सिंक साफ करते हैं, तो जो भी हमारी ये चाय पत्ती है और इसमें अदरक के भी कुछ पीस हैं, क्योंकि जब चाय बनी थी तो उसके बाद जो अदरक है वो बच गया, ऐसे हो जाता है सभी का होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाय पत्ती इसमें है। और दोस्तों चाय पत्ती के साथ थोड़ा सा आटा इसके साथ इसमें डाल दिया जाए तो हमारे सिंक पे 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सिंक में हम बर्तन धोते हैं और कभी हम कभी क्या हमारे बर्तनों में हमेशा ऑयल रहता है, तेल रहता है, घी रहता है, जो भी जिसमें खाना बनाते हैं वो हमारे सिंक पे चिपट जाता है। तो इस तरह दोस्तों मैंने मेरे पास ब्रेड का एक खाली रैपर था, मैंने वो अपने हाथों में इस तरह लपेट दिया, क्योंकि ये ब्रेड वाला जो रैपर होता है ना थोड़ा सख्त होता है, इससे आसानी से हमारा सिंक साफ हो जाता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे सिंक साफ कर दिया और बिल्कुल मेरा सिंक चमक गया था। अभी मैं धो के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जब उसके बाद जब यदि सिंक को इस तरह कर दें, चाय पत्ती आटे को इस तरह कर दें, उसके बाद आप इसको हाथ से उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो हो गया है, अब इसका काम खत्म हो गया है, तो अब ये डस्टबिन में जाएगा। जो चाय पत्ती अदरक का और आटा था तो वो डस्टबिन में जाएगा। वैसे तो दोस्तों इसमें पानी डाल के नीचे बह जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको अपने सिंक को बड़े अच्छे से रखना है और ब्लॉक नहीं करना है। तो इस तरह मैंने सिंक को धो दिया था, उसके बाद मैं पानी से इसको छाल दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सिंक किस तरह चमक गया था। तो दोस्तों इस तरह मैं करती रहती हूँ, और आप लोगों को पता ही है मेरा है सरकारी मकान, तो सरकारी मकान में ज़्यादा मेरा चमक धमक नहीं है, तो इस तरह मैं अपने चीज़ों को अच्छे से और साफ़ सुथरा रखती हूँ। आपको कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर कमेंट करके बताना।
यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सिंक बिल्कुल चमक गई है, मैंने धो दिया है, सारा पानी नीचे चला गया है और जो चाय पत्ती वगैरह बच गई थी वो मैंने उठा के डस्टबिन में रख दिया है, तो लग भी नहीं रहा अभी कि मैंने यहाँ पे बर्तन धोए होंगे। अगला जो मेरा हैक है दोस्तों वो है आटे के थैले को लेके। ये आटा का थैला है, मैंने पानी की बाल्टी में डाल दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको पानी की बाल्टी में डाल दिया है। तो पानी की बाल्टी में मैंने इस थैले को धोने के लिए डाला है और भी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे थैले, मैं जब भी हम आटा लाते हैं मैं उन थैलों को खाली करके और इनको धो के रख देती हूँ, ये मेरे बहुत काम आते हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल पे आटे के जो खाली रैपर या खाली थैले होते हैं उनकी वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं कि मैंने क्या काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आटे की थैली बिल्कुल धो धा के सुखा के, मुझे ये आटे की थैली धोना सुखाना 2 दिन लग गए थे, तो यहाँ पे मैंने ये आटे की थैली सुखा दिया अच्छे से, 2 दिन मैंने सुखाया इसको बाहर की साइड से भी अंदर की साइड से भी, ताकि इस पर कोई भी नमी ना रहे, तो जो चीज़ मैं इसमें रखना चाह रही हूँ वो उस पर नमी ना लगे। दोस्तों यहाँ पे मेरा एक और उपाय है, जैसे कि क्या होता है हमारे घरों में, हमारे घरों में सबके, मेरे घर में तो पेपर आता ही है, मेरे हस्बैंड जी पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे पेपर आते हैं तो क्या होता है ना, पेपर को जैसे ही आदमी लोगों ने पढ़ा वो मोड़ मार के साइड में रख देते हैं और बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे जो कि अच्छे लगें और सुंदर लगें इनके लिए क्या करना चाहिए वो मैंने सोचा। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मैं ये सारे पेपर अच्छे से इनकी तय लगा दूंगी, यानी एक से उसमें रख दूंगी इनको बिल्कुल अच्छे से। तो मैं आपको आज यही अच्छे से, मतलब कि किस तरह इनको रखना है जो कि दिखें भी नहीं और अच्छे भी लगे घर को, तो उस तरह मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो पहले तो मैं इनको सबको एक ऐसी तय लगाऊंगी कि एक जैसी ये दिखें, सबको मैं इसमें एक के ऊपर एक रख के अच्छे से इनको एक गठरी टाइप का बना दूंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके साथ जो मैंने आटे की थैली धोई थी ना, सुखाई थी, उसके अंदर मैं इनको रख दूंगी। और ये ना बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, क्योंकि यदि मैं आटे की थैली के अंदर इनको रखूँगी तो यदि मैं कहीं पे भी टेबल में या कुर्सी में कहीं पे भी इनको रखूँगी पता ही नहीं चलेगा इनके अंदर कबाड़ है और पेपर हैं, जो पेपर हमने पढ़ चुके हैं अब वो कबाड़ ही हो जाते हैं पेपर पढ़ने के बाद। तो दोस्तों इस तरह मैं इसके अंदर रखूँगी तो ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे साइड में, और ऐसे भी नहीं लग रहा कि कोई गंदा होगा, तो हुआ ना ये कबाड़ से जुगाड़। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। आप सभी ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये बहुत ही अच्छा हो गया है और अच्छा भी दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।